हेलो फ्रेंड्स, आज हम भावनगरी गाठिया बनाने जा रहे हैं। मैंने आधा किलो बेसन लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच जितनी अजवाइन डाल रही हूँ, एक छोटी चम्मच मैं खाने का सोडा डाल रही हूँ। इसमें हम 3 दाल के बड़े चम्मच भर के तेल डाल रहे हैं। डालो ना दो। और ये 2 चम्मच में थोड़ा गरम तेल डाल रही हूँ। इसे हम इस तरह पूरा बहुत अच्छे से मसल लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे मसलते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है। थोड़ा सा ऐसा पानी का हाथ कर करके मसलते जाएंगे। यह हमने और इसे 10 से 15 मिनट इस तरह मसल दिया। देखिए इसका कलर पूरा बदल गया है। गोल हाथ घुमाते हुए हम मसलेंगे। हम इसे इस तरह से मसल के इसका पूरा कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। इसमें अब इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। करीबन आधा किलो आटे में हमको पूरा 1.5 गिलास पानी लग गया। मसलने के टाइम में थोड़ा थोड़ा हाथ में लेते हुए किया हुआ है। यह एकदम से देखिए आप, कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह हमारा ये गाठिए का आटा तैयार हो गया। हमने ये थोड़ी मोटे बड़ी छेद के जारा ले लिया है। मैंने एक ये सब ये जारा लिया है ले लिया है। जारे को हम थोड़ा गीला कर लेंगे पानी से और इसे हम कढ़ाई पे रख देंगे। हमारा गैस फास्ट है। हमने एक लंप ले लिया है और उसे इस तरह से हमारा तेल फास्ट है। थोड़ा बड़ा लंप लेना है। इस तरह से ये हमारे गाठिए पड़ेंगे। सब अभी से इसे अब हम जारे की मदद से उलट पलट देंगे। इसे कलर चेंज नहीं होने देना है। हमारे अच्छे से तल गए हैं। इसे हम तेल निथार के बाजू की कढ़ाई में डालेंगे। मैंने गैस स्लो कर लिया है।
तरह हमारे गाठिए इस तरह दूसरी बार हम मैं बना रही हूँ। जारे को हम साफ कर लेंगे और इसे फिर से पानी लगाएंगे। आपको ये प्रोसीजर हर बार करनी है। यह मैंने साफ कर लिया पलथनी की मदद से। इसे हम फिर से पानी लगा लेंगे और मैं इसे वापस कढ़ाई में रखने जा रही हूँ। मेरा गैस फास्ट है। मैंने आटे का एक लंप ले लिया है। मेरा हाथ भी मैंने थोड़ा गीला कर लिया। हम थोड़ा लंप और ले लेंगे। अब थोड़ा स्पीड में करना रहेगा क्योंकि बहुत गर्म आता है। यह गाठिए सब धीरे धीरे तल के ऊपर आ जाएंगे। जब सब ऊपर तल के आ जाएंगे तब हमने जारा डालना है, इसके पहले नहीं। देखिए सब ऊपर आ गए। अब हमें इसे पलट देना है। इस तरह यह थोड़ा सा उलट पलट करके इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, लेकिन यह नरम भी नहीं रहने चाहिए। इस तरह तेल पूरा कढ़ाई में गिरा देंगे हम और इसे वापस हम इस तरह हम सारे गाठिए बना लेंगे। इस तरह हमारे ये सब भावनगरी गाठिए बन गए। इसे हम एक डब्बे में बंद करके 15-20 दिन तक इसे खा सकते हैं। इसे एकदम पैक डब्बे में ठंडे होने के बाद बंद करके भर देना है। ये भावनगरी गाठिए मैं सर्व करने जा रही हूँ। इसे मैंने मसाला मिर्ची बघारी हुई बनाई है और यह गुड़ है, इसके साथ ये गाठिए खाए जाते हैं। और यह गुजराती का फेमस नाश्ता है। यह भावनगरी गाठिए बहुत पसंद किए जाते हैं। मैं सुधाश किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।